नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को रौंद दिया और पूरे 10 विकेट से पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत हासिल की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस मैच का केएल राहुल को बहुत बड़ा सदमा लगा है और ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी से केएल राहुल जूझने लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस मैच को हारने के बाद केएल राहुल सदमे में चले गए हैं। जी हाँ, बहुत ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में केएल राहुल की अस्पताल से एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मैच के हारने के बाद से ही केएल राहुल बहुत बड़ी टेंशन में चले गए थे और केएल राहुल को ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हीं की वजह से टीम इंडिया पाकिस्तान से पहली बार वर्ल्ड कप में हारी है। और फिर केएल राहुल इस सदमे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि हार्ट अटैक आया है और उनको तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत ध्यान से आप सभी हमारी इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीम इंडिया पाकिस्तान के सामने ज्यादा बड़ा शुरुआत नहीं कर सकी। शुरू से ही टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए उतरी तो उस तरह की उम्दा शुरुआत ना कर सकी जिस तरह की भारत के क्रिकेट फैंस ने भारतीय टीम से उम्मीद लगाई। मैं आपको बता दूं, भारत की टीम पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि इस टीम में रोहित शर्मा थे, इस टीम में केएल राहुल थे, इस टीम में सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, इसके अलावा ऋषभ पंत जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे और हार्दिक पांड्या भी अंत में थे। लेकिन हुआ क्या, सबकी सच्चाई सामने आ गई और केएल राहुल महज 8 गेंदों पर सिर्फ 3 ही रन बना सके और शाहिन अफरीदी का शिकार हुए, तो वहीं रोहित शर्मा तो अपना खाता भी नहीं खोल सके और पहली ही गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों, कप्तान कोहली ने कप्तानी पारी जरूर खेली, लेकिन ये पारी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी। और विराट कोहली ने काफी स्लो खेली थी, 49 गेंदों पर महज 57 रन ही मारे। इस 49 गेंद पर अगर विराट कोहली ने 70-75 रन मारा होता तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। इसके बाद सूर्य कुमार यादव से हमने उम्मीद लगाई थी और सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ उम्मीदों पर पानी फेरा और 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन ऋषभ पंत ने आज एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया, 30 गेंदों पर 39 रनों की शानदार पारी खेलकर इन्होंने दिखा दिया कि ये किस तरह के बल्लेबाज हैं और हमेशा मुसीबत के टाइम पर ये खड़े रहते हैं। इसके बाद रविंद्र जडेजा भी ज्यादा कुछ खास ना कर सके, हार्दिक पांड्या भी। तो इस तरह से टीम इंडिया ने 151 रनों पर 7 विकेट गिराए थे और 20 ओवर खेल लिए। इसके बाद बारी आई पाकिस्तान की। सबको लग रहा था कि अगर भारतीय बल्लेबाज नाकाम हुए हैं तो भारतीय गेंदबाज जरूर सफल होंगे, लेकिन पासा इसके बिल्कुल उलट रहा और देखने को मिला कि एक के बाद एक भारतीय गेंदबाज आते रहे और जाते रहे, लेकिन कोई भी पाकिस्तान का एक विकेट भी नहीं निकाल सका। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने वो शानदार पार्टनरशिप की पहले विकेट के लिए कि पहला ही विकेट काफी था पाकिस्तान का टीम इंडिया को हराने के लिए। पाकिस्तान का एक भी विकेट नहीं गिरा और टीम इंडिया 10 विकेट से इस मैच को हार गई, जिसमें देखने को मिला हमें कि दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार, जहां मोहम्मद रिजवान ने 79 रनों की पारी खेली तो वहीं बाबर आजम ने 68 रनों की तूफानी पारी खेली और इस तरह से टीम इंडिया इस मैच को हार गई। जिसके बाद केएल राहुल का जो मैच के बाद बयान आया था, ऐसा लग रहा था कि जरूर उनके मन में कुछ चल रहा है। केएल राहुल ने कहा था कि ये हमारे लिए हार नहीं बल्कि बहुत बड़ी और शर्मसार कर देने वाली हार है, इस हार को हम निश्चित तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसके बाद केएल राहुल की एक फोटो बहुत तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि केएल राहुल को तुरंत ही अस्पताल लेकर के जाया गया है, क्योंकि उनकी तबीयत मैच हारने के बाद से ही लगातार बिगड़ती गई थी। उम्मीद करते हैं कि केएल राहुल जल्दी वापसी करेंगे, क्योंकि उनको टीम इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलना है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।